हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड जोन सो इस प्रैक्टिस स्पेशल क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है हमारे सामने लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है फाइव इयर्स एगो नूरी वास थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू पाँच साल पहले जो नूरी थी कितनी थी सोनू की एज की ट्रिपल ठीक है टेन ईयर्स लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू तो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें करेंट एज मानना पड़ता है तो स्टार्ट करेंगे लेट द प्रजेंट एज ओके लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू एक्स ईयर्स ये सोनू की प्रजेंटेज है डन सेकेंड है नूरी की प्रजेंटेज लेट द प्रजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू वाई ईयर्स यह दिया गया है ठीक है सर स्क्रीन शो होना बंद हो गई स्क्रीन शो होना बंद हो गई है सो देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी इक्वल्स टू हमने मान लिया वाई ईयर्स ओके अब क्या कहना है पाँच साल पहले तो इक्वेशन यहाँ से उठेगा इनका कहना है कि भैया पाँच साल पहले तो हमें सिचुएशन बनानी पड़ेगी फाइव ईयर्स एगो तो पाँच साल पहले की सिचुएशन में जो सोनू की एज रही होगी दैट वाज एक्स माइनस फाइव एब्सल्यूटली एक्स माइनस फाइव रही होगी और जो नोरी की एज रही होगी दैट वाज वाई माइनस फाइव बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है yes. Yes, हाँ, तो सोनू की एज एक्स माइनस फाइव रही होगी नोरी की एज वाई माइनस फाइव रहेगी अब क्वेश्चन क्या कंडीशन बनाने को कह रहा है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू पाँच साल पहले जो नूरी थी वो तीन गुना थी किसकी सोनू की सो so नूरी की एज है वाई माइनस फाइव थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फाइव सो वाई माइनस फाइव इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव लेफ्ट में है इधर प्लस फिफ्टीन को ले जाइए और वाई को राइट साइड में ले जाइए ठीक है सो इट विल बी प्लस टेन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई मोर ओवर यू कैन राइट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस टेन वी कैन गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन ओके सो बाई यूजिंग फर्स्ट कंडीशन देट वॉज नोरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू नोरी सोनू की तीन गुना थी हमने पहला इक्वेशन बना लिया है ओके सेकेंड कह रहा है टेन ईयर लेटर तो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम बना रहे हैं टेन यर्स लेटर तो भैया दस साल बाद सोनो भी दस साल बड़ा हो जाएगा तो द न्यू एज ऑफ सोनो विल बी एक्स प्लस टेन एंड न्यू एज ऑफ न्यूरी इक्वल्स टू वाई प्लस टेन नूरी की एज हो गई वाई प्लस टेन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर टेन ईयर नूरी विल बी ट्वाइस As old as Sonu means y plus टेन equals to टू times. यदि आपको ये लाइन समझ में नहीं आई है सो so इसको एक और मैं बढ़ा के लिखता हूँ क्या कहना है इनका कि नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी सोनू की सो so y प्लस टेन दैट इज़ द एज ऑफ़ नोरी आफ्टर टेन ईयर इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ एक्स प्लस टेन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वाई प्लस टेन इक्वल टू टू एक्स प्लस टू टेन या ट्वेंटी टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन माइनस ट्वेंटी टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टेन इसको लेफ्ट साइड से लिख लेंगे टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टेन इक्वेशन नंबर टू अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टेन अब इनको हमको सिंप्लीफाई करना है सो so हम इसको सॉल्व करेंगे वी कैन राइट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड पहला इक्वेशन लिख लेते हैं थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टेन क्या करेंगे सब कर देंगे बिकॉज वाई खुद कैंसिल होने को तैयार है सो ऑन सब्ट्रैक्शन हेयर इट इज माइनस हेयर इट इज़ प्लस हेयर इट इज प्लस सो डिफरेंस कर दिया है माइनस कर दिया है साइन विल बी चेंज सो थ्री एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल्ड ईच अदर And plus 10 plus 10 equals to plus 20. So we have our first answer, that is x, and x is the age of Sonu. Now x ki value kisi bhi equation put kar dije. Put x in equation first. So first equation mere pass 3x minus y equals to 10. So 3 into 20 minus y इक्ल्स टू टेन वाई थ्री ट्वेंटी सिक्सटी माइनस वाई इक्ल्स टू टेन वाई को ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस वाई प्लस वाई बन गया एंड सिक्सटी माइनस टेन दैट इज़ इक्ल्स टू फिफ्टी वाई फाइनल आंसर लिख दीजिए यहाँ पर एक्स इक्ल्स टू ट्वेंट थर्टी आया कि ट्वेंटी एक्स इक्ल्स टू ट्वेंटी एंड वाई इक्ल्स टू फिफ्टी सो एज ऑफ सोनो इक्वल्स टू ट्वेंटी ईयर्स एंड एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू फिफ्टी ईयर्स डैट्स इट ये आपका आंसर है ठीक है समझ में आए सभी को अच्छे से हेलो ओके चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अब एक बार अपने से कोशिश करिए इसको अच्छे से बना लें आप लोग ठीक ना बन जाए तो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं एक अगला क्वेश्चन भी साथ ही साथ मैं कर देता हूँ फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे चलिए ये क्वेश्चन आपने मुझसे कई बार करवाया है और ये बार बार आ भी रहा है क्वेश्चन चलिए तो इसको कर ही देते हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन तो सबसे पहले यहां पे टू डिजिट नंबर है तो आप अपने मन में एक टू डिजिट नंबर प्लान कर लीजिए दैट इज एक्स वाई सो यूनिट डिजिट आप यहाँ पे y है टेंस डिज़िट यहाँ पे x है आप उल्टा भी ले सकते हैं वाई एक्स तो लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्सल्स टू एक्स एंड लेट द टेंस डिज़िट जो लेफ्ट में आता है नंबर दैट इज डिजिट ऑफ द नंबर बी इक्वल्स टू वाई तो ये हमारे दो डिजिट हो चुके हैं देन द नंबर विल बी और यू कैन से ओरिजिनल नंबर नंबर इक्वल टू हमारे नंबर एक्सपर्ट ध्रुव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्रुव बताएंगे ध्रुव टू डिजिट का नंबर क्या होगा इफ यूनिट डिजिट इज एक्स एंड टेंस डिजिट इज वाई ओके सर टेन एक्स प्लस वाई अगेन ध्रुव आपने गलत बताया है क्योंकि टें डिज़िट का वेट टेन होता है तो टेन वाई के साथ जाएगा सो so, बच्चों नंबर होगा टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स ओके सो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ नाइन ये अपने पास ओरिजिनल नंबर आ गया ओके okay. और रिवर्स नंबर भी निकाल लीजिए रिवर्सिंग द डिजिट नंबर रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा ये बेटा टेन एक्स प्लस वाई क्योंकि यूनिट डिजिट वाई बन जाएगा और टेंस डिजिट एक्स बन जाएगा सभी को क्लियर है यहाँ तक नंदनी यस सर ओके गुड सो बच्चों अब क्या दे रखा है सबसे पहले देखा सम ऑफ़ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज नाइन पहली क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू नाइन है मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू नाइन गिव इट इक्वेशन नंबर वन सेकेंड थिंग इज यहाँ से पढ़ना बहुत आराम से ऑल्सो नाइन टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑबटेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब ओरिजिनल नंबर का नौ गुना ओरिजिनल नंबर ओके यस बेटा सर ये एक्स प्लस वाई को नाइन क्यों लिए क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बेटा डिजिट का सम कितना है फर्स्ट इक्वेशन द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज नाइन तो डिजिट तो एक्स और वाई ही होंगे ना Yes, हाँ और सेकेंड कंडीशन दी गई है नाइन टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स दिस नंबर पहले नंबर का नाइन टाइम्स इज़ इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ट्वाइस किसका रिवर्स करने पर इक्वल टू टू टाइम टेन एक्स प्लस वाई सो नाइन इंटू टेन बिकम नाइन्टी वाई प्लस नाइन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी एक्स प्लस टू वाई सो नाओ नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स एन हीर प्लस नाइन्टी वाई माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो ठीक है बेटा ठीक yes, hmm, है ये थम्स भेज दिया करो जिसको जिसको समझ में आ जाए करे ये लाइक like भेज दिया करो गुड 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 नाइन वाई नाइनटी वाई माइनस टू वाई हाउ मच इट विल बी एटी एट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो नाउ वी कैन टेक माइनस एलेवन एज अ कॉमन सो एलेवन एक्स जलेवन एंड माइनस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो डिवाइड बाई एलेवन एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो सो वी हैव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर टू अब हमारे पास सक्सेसफुली दो इक्वेशन आ चुके हैं बस इनको हमें सॉल्व करना है सो वी कैन राइट हीयर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन सेकेंड इक्वेशन इज़ एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे सो ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज हीयर माइनस हेयर प्लस जीरो में कोई इफेक्ट नहीं होता है फिर भी प्लस दिख रहा तो माइनस लगा दो एक्स एंड एक्स गेट कैंसल्ड ईच अदर वाई प्लस एट वाई इक्वल्स टू नाइन वाई नाइन वाई इक्वल्स टू नाइन वाई इक्वल्स टू नाइन बाई नाइन वाई इक्वल्स टू वन याद आ गया होगा आपको ये एम पी बोर्ड का क्वेश्चन है जो मैंने अभी लगवाया उस दिन क्लास में ठीक है नौ एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड इक्वेशन बाई सेकेंड एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स इक्वल टू एट वाई एक्स इक्वल टू एट इन वन आंसर एट तो आपके पास दोनों नंबर आ चुके हैं वाई आ चुका है वन एक्स आ चुका है एट सो योर ओरिजिनल नंबर जो आपका नंबर है दैट इज़ इक्वल्स टू टेन वाई प्लस एक्स तो टेन इंटू वन प्लस एट टेन वन जो टेन प्लस एट इक्ल्स टू एटीन याद है ध्रुव आपका आंसर एटीन आया था